हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकमिंग इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है कि बहुत सारे आप लोगों के लिए अभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं और कई नोटिफिकेशन जो पहले आए थे जस्ट बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उन सब की रिक्रूटमेंट जो है उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया था और अब वापस जो रिक्रूटमेंट आ रखे थे पहले, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरे थे, वापस उनको ओपन भी यहाँ पर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि पहले उनकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी जस्ट बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो गाइज, यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है बीपीएस। यहां पर आप सबको बताया, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना जो है, इसका प्रीवियसली एक नोटिफिकेशन आया था। अगर आप देखेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो वैकेंसीज आई थी 1/2024 फॉर जूनियर इंजीनियर सहायक कार्यपालिक अभियंता जीटीओ की वैकेंसी आपने यहां पर देखी होगी, तो वो वैकेंसीज जो थी उसका इनिशियली जो है एप्लीकेशन फॉर्म 1 से लेकर 30 तक भरने थे। ये पूर्व से निर्धारित इसकी अवधि थी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है मई जून में इसका होने वाला था, पर आप सबको पता है गाइज कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से सारे रिक्रूटमेंट होल्ड थे, तो ये जो डेट है इसको चेंज करके अब वापस जो न्यू डेट आ गई है 26/2024 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अब भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट जो है 19/7/2024 रहने वाली है, तो इससे पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी की जो यहाँ पर डेट रहेगी वो 7/10/2024 में रहने वाली है। तो गाइज, यहाँ पे एग्जाम डेट भी चेंज हो गई है और एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल भी वापस ओपन हो रहा है। तो गाइज, आप में से जिस भी स्टूडेंट ने नहीं भरा है फॉर्म वो डेफिनेटली यहाँ पर इस फॉर्म को इस डेडलाइन के बीच में भर सकते हैं। आप में से काफी बच्चे होंगे, सर ये कौन सा नोटिफिकेशन था? तो अगर आप इंजीनियर्स वाले के प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करेंगे BSPHCL अपकमिंग वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर, तो आपको ये नोटिफिकेशन ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने पूरा आपको सारे के सारे जो टाइप के डिटेल्स वगैरह है वो सारे डिटेल जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रखे हैं। आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी चीज है, सब टाइप की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है। तो गाइज, ये वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा और बाकी अगर ये वीडियो की जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था, आप लोगों में से जिसने भी इस फॉर्म को नहीं भरा है एज सून एज पॉसिबल जाके भर दीजिएगा और एग्जाम की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ये वीडियो का लिंक इस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करने में कोई भी सपोर्ट चाहते हैं तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, आपकी भी वहाँ पर काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।